सफर में आप सबके साथ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यादें आप सबके साथ जुड़ गई हैं। और गाने तो सभी लोग सुन रहे हैं, मैं थोड़ा एक कविता कुमार विश्वास को सुनाना चाहता हूँ। मैं उसको कविता सुनाऊंगा। बिल्कुल एकदम सही कहे आप। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। आप भी गा सकते हैं मेरे साथ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कभी रा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कभी रा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर लेकिन रो नहीं सकता। यह आंसू प्यार का मोती इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो नीचो हाही में चो वेलकम बैंको सैरोशी। हमारे पंजाब के एक काफी हाई लेवल के राइटर है सुरजीत पात्र। शायद बुक में आपने कविता कोई ना कोई सुनी होगी बचपन में, बहुत कविताएं लिखी। उनकी एक कविता जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी फेमस हुई, लोगों ने बहुत खूब आनंद माना उसका।